Good evening. Well done, Max. Well done, Mark. And you know, our country is a country of dreams. मुझे हमेशा लगता है कि सपने सभी पूरे होते हैं. आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है और सच बोलना होता है. One of the contestants said कि number two जो है वो ज़्यादा popular होगा. You have a great, great responsibility and people who have not holding these certificates, I think the God is on your side. Don't worry about it. There are no winners and losers. The fact that you are on this stage, I think in itself is that you are winners. And I wish them great luck. I think, let me just sort of announce it over here today, that the people who are not the obvious winners today will get a 1 month free diploma, free certificate course from my acting school. And of course, people who are the winners tonight will get one worth the diploma for 3 months. And jaisa ki kisi ne kaha ki puri teri mil jayenge, ne kaha ki lehron se dar kar nauka paar nahi hoti, himmat karne walon ki haar nahi hoti. Nanhi chinti jab dana lekar chalti hai, chadhti deewaron par 100 baar phisalti hai, man ka vishwas ragon mein saans bharta hai, chadh kar girna gir kar chadhna na karta hai. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. थैंक यू सो मच. आई थिंक इस स्पेशल इवेंट की सबसे बड़ी खासियत, मैक्स एमर्जिंग स्टार 2017 की सबसे बड़ी खासियत जो ये है, ये हिंदुस्तान के हार्ट से शुरू होता है, छोटे छोटे शहरों से शुरू होता है. मैं खुद एक छोटे शहर से आया हूँ, शिमला से, और आज इस नगरी ने मुझे बहुत दिया है, इस देश ने मुझे बहुत दिया है. तो हिंदुस्तान का जो असली टैलेंट है वो बड़े शहरों में तो है ही है, मगर जो उभर कर आ रहा है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे टैलेंट में हो, एक्टिंग में हो या बाकी जगह, तो वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है. और आज जो हमारे विनर्स हैं वो अलग लखनऊ से हैं, विशाखापट्टनम से हैं, वडोदरा से हैं. ये हमारे देश का फ्यूचर है, ये इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है. और मुंबई नगरी जो है ये बहुत बड़े दिल वाली है. ये जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनके सबके सपने पूरे करती है, एक मौका तो ज़रूर देती है. सो आई कंग्रेचुलेट मार्क, आई कंग्रेचुलेट प्रशंसा सर ऑफ मैक्स एंड द विनर्स फॉर नाउ द जर्नी स्टार्ट्स. सर मेरे हिसाब से देयर इज नो अल्टरनेट टू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट. क्या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा आप एवेन्यू खुल गए हैं शोबिज के लिए? पहले इतने एवेन्यू सर, मैं मेरा ये 25 मई 1984 को मेरी फिल्म सारांश रिलीज़ हुई थी. उस ज़माने में जब 82, 83, 84 में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और शक्ल ऐसी थी कि आधे बाल यहाँ से जड़ रहे थे, आधे यहाँ से निकल रहे थे, पतला सा था मैं, और कोई टैलेंट कॉन्टेस्ट नहीं था, कोई टेरेंस लुइस नहीं थे जो ढूंढ के अरे भाई आप कहाँ थे आज तक, कोई ऐसा मैक्स एमर्जिंग स्टार नहीं था. तो अब तो एवेन्यूज़ ही एवेन्यूज़ हैं. अब अगर आप कामयाब नहीं होते तो गलती आपकी है.